कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन बच्चों के साथ काम करते आए हैं, उनमें से एक हैं दिया मिर्जा. शी इज एन एक्टर, शी इज अ प्रोड्यूसर, शी इज आर्टिस्ट एम्बेसडर फॉर सेव द चिल्ड्रन, यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल्स एडवोकेट फॉर एंड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. शी इज डन सो मेनी टेलीथॉन्स विद अस. यस यस, रियली इन्वॉल्वड एंड मूव्ड बाय योर पैशन टू हेल्प सोसाइटी. एंड शी हेट्स प्लास्टिक. दिस मस्ट बी मेंशन. दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. जैसे संजय बता रहे थे, अभी की स्थिति में इन बच्चों तक मदद पहुंचाना या इनको लोगों के सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आमतौर पे भी कितनी दिक्कतें होती हैं, तो अब जबकि लॉकडाउन है, कोविड महामारी है, कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी? आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू एनडीटीवी फॉर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई बीन वर्किंग विद सेव द चिल्ड्रन एज देयर आर्टिस्ट एम्बेसडर सिंस 2016 एंड 2016 तक हमने ये कैंपेन लॉन्च किया था, द इनविजिबल्स कैंपेन, जहाँ पे हमारी उम्मीद यही थी कि जो हमारे देश के 20 लाख बच्चे जो स्ट्रीट सिचुएशन में रहते हैं या स्ट्रीट में रहते हैं, उन तक हम आइडेंटिटी पहुंचाए. And kyunki we realized that whatever it was, whatever they needed access to, whether it was health, school, or education, or practically anything, needed for them to have identity, some form of identity. So, Aadhaar card banwaya humne. और इस दौरान मेरी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बच्चों के साथ मुलाकात हुई है. Over the last 2 years, I've had the good fortune of interacting with some of the brightest, most curious, most wonderful, vibrant children in our country. And मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरी सीख हमेशा, जब भी मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ और लौट के वापस आती हूँ, यही रही है कि जिस तरह की दिक्कतों के बावजूद वो, जिस तरह की दिक्कतों के साथ वो रहते हैं, उसके बावजूद जिस तरह का रेजिलियंस, जिस तरह की जोश, जिस तरह का उम्मीद उनमें नजर आती है, वो हम जैसे प्रिविलेज लोग जिनके घर होते हैं और सब कुछ होता है, उनमें नहीं नजर आती. एंड आई थिंक दैट यू नो, स्पेशली व्हेन यू इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन लाइक सलमान, मनीषा स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हु लिव्स अंडर एल्फिंस्टन फ्लाईओवर इन मुंबई. एंड व्हेनेवर आई कैंपेन, वेदर इट इज टू बीट एयर पोल्यूशन और you know, when for plastic pollution or just the environmental degradation and the fact that children, the ones who actually on the front line, and we've been hearing this word a lot, but I feel like our children are on the front line of exposure to every extreme situation that we experience as a society. And so it actually strengthens my... strengthens me when I meet children like Manisha, jo, despite living under a flyover, all the impediments that she has to face on a daily basis, in fact, is educating herself, is supporting other children, is fighting for life. And when you hear her speak, you will be spellbound. I hope you're joining us tonight.